नेता आते हैं और जेल में बंद माननीय रमाकांत यादव जी से मिलकर चले जाते हैं, बगल के जिला जौनपुर में आते हैं और अपनी बिरादरी की तरही में जाकर मिलकर चले जाते हैं, फिरोजाबाद जाते हैं अपनी बिरादरी की तरही में चले जाते हैं। तो खाली यादव जी मरते हैं, पंडित जी नहीं मरते, बाबू साहब यादव जी, पटेल जी, राजभर जी, चौहान जी, मुसलमान जी नहीं मरते। अगर आप जेल में एक अपनी जाति से मिल रहे हो तो बरेली का विधायक भी जेल में बंद है, आजम खां जी भी जेल में बंद थे, तो उनसे क्यों नहीं मिलते? क्या दिखाना चाहते हो? यहाँ ये लोग नहीं रहते हैं? आप बताइए, आप जहाँ खड़े हैं, ये जिधर सत्ता उधर, ये हालत है आजमगढ़ में, आप दिखाना अपने। इस नाते हम कहते हैं, कितने दिन से यात्रा शुरू हुई, कितने दिन तक चले? देखिए 26 सितंबर से लखनऊ से यात्रा शुरू हुई और पहली रैली हम लोगों ने अम्बेडकर नगर किया, दूसरा बनारस किया, तीसरा है, और ये 26 सितंबर से लगातार 27 अक्टूबर तक ये चली गई और गांधी मैदान पटना में 27 अक्टूबर को समापन हुआ। अच्छा ओम प्रकाश जी, सबसे बड़ा सवाल तो अब ये हो रहा है कि अपनों ही अपनों को छुरा भोंक रहे हैं, स्वाभिमान पैदा हो गया, पार्टी बन गई। देखिए दो चीज़ें हैं, आंदोलन अभाव में चलता है। जब आंदोलन चलाते समय किसी को भाव पैदा होता है, अहंकार आ जाता है, जब अहंकार आ जाता है तो पतन की ओर जाता है, ये है इतिहास, उससे कोई बात नहीं है। देखिए एक मैंने रामायण में पढ़ा है, लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लगी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, तो कालनेमी किसके द्वारा भेजा गया? सब लोग जान रहे हैं कि रावण के द्वारा भेजा गया, तो कालनेमी भेजा गया कि हनुमान संजीवनी बूटी न लेके आवे, लेकिन हनुमान जी बहुत चलाक हैं, कालनेमिये को उलट दिए। आपकी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से होती है, गृह मंत्री से होती है, योगी जी से भी होती है, तो यूपी तक भी आपने तो कहा था कि पुराने दरवाजे संभल के, लेकिन आप तो दरवाजे पर पहुंच गए। नहीं देखिए, हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है 11 मार्च 2022 को कि 2 महीने के अंदर भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार केंद्र को भेजे और प्रदेश सरकार केंद्र से पास करावे। 2 महीना बीत गया तो मैं मुख्यमंत्री से मिला, बात किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि पूरा नकल निकाल के ले आओ तो बता में। फिर मैं इसी बात को लेकर चला गया, हम तो हमेशा खिलाफे रहते हैं, आपने देखा भी होगा कि 18 महीना में हम इस्तीफा दे के चले आए है ना, अभी तो हम सरकार में नहीं हैं, हम तो MLA हैं, विपक्ष में हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमारे सामने प्रमुख सचिव समाज कल्याण, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, तीनों को बुला करके फाइल चेक कराया और कहा कि देखो ये ओम प्रकाश का मामला भाई, ये अभी नहीं सुनोगे तो तुरंत मीडिया में जाके कहेंगे कि खिलाफ कर रहे हैं, तो इनको देखो इनका प्रस्ताव, हम सहमति हैं, आप लोग इनका प्रस्ताव जल्दी से जल्दी दिल्ली भेज दो, हम भी मेहनत करेंगे, ये भी मेहनत करें, पास हो जाएगा तो दी बेस्ट है, ये उनका कहना। कहावत कहा जाएगी 24 के बाद सारे पानी एक, बरसात होता है तो कुल पानी एक हो जाते हैं। धन्यवाद।